तो अभी मैं इधर गैटविक एयरपोर्ट पे हूँ और मैं मराकेश जा रहा हूँ। गैटविक एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री बहुत ही अच्छा था, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी महंगी थी। विंटर के टाइम पे ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं टू गेट अवे फ्रॉम कोल्ड। तो मैंने अभी चेक इन किया हुआ है और मैं बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा हूँ और देखते हैं मराकेश कैसा है। एयरक्राफ्ट विज एयर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम। तो मैंने अभी विजर फ्लाइट बोर्ड की है और अभी टेक ऑफ होने वाली है। Now please take a moment to look at this nearest to keeping my that it might be behind you. Now we're going. फ्लाइट लैंड हुई है और एयरपोर्ट में और मैं अभी डिसम्बार कर रहा हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट जो आए हैं मोस्टली यूरोपियंस हैं और यूके से हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एयरपोर्ट अराइवल से बाहर निकलेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एटीएम मशीन्स है, तो यहाँ एटीएम से विड्रॉ किया है कैश और मुझे अच्छा रेट मिला है जो आप गूगल पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट द सेम रेट। तो मैंने ये बस ली है जो जाएगी जमाल फीना, अराउंड 30 दिरहम्स लगते हैं इसको जाने के लिए। लकीली मुझे बस मिल गई जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और इसका टिकट चार्ज है 30 दिरहम्स विच इज़ अ रिटर्न टिकट, और ये रिटर्न टिकट आपको 15 दिन के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है। होटल पहुंचते ही मैंने बैग रखा और बाहर निकला देखने के लिए कि बाहर का माहौल कैसा है। सस्ते का माल सस्ते में है उस हिसाब से यहाँ पे लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। आपको हर किस्म के चीज़ें मिलेंगी, जैकेट्स, सनग्लासेस। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोकल्स नज़र आ रहे थे जो नाइट मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। ये मोरक्को का ट्रेडिशनल म्यूज़िक है जो हर रात बजाया जाता है छोटे ग्रुप्स में। बहुत ही रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स बंद हो रहे थे। मोरक्को के लोग बहुत ही फ्रेंडली है और यहाँ का खाना बहुत ही बेमिसाल है। होटल बहुत ही शानदार था एंड इट हैड मोरक्कन ट्रेडिशनल लुक। और ये मेरा रूम था जो मैंने बुक किया था। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए आया हूँ ऑन द रूफ टॉप। तो यहाँ पे रूफ टॉप में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। ये रूफ टॉप एरिया में ब्रेकफास्ट मिलता है और तकरीबन 7 बजे शुरू होता है और 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है। मोरक्कन टी और क्रोसेंट मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है। ब्रेकफास्ट है यहाँ पे क्रोसेंट है, कॉफ़ी दिया हुआ है और ऑरेंज विद ब्रेड, हनी, शुगर, चीज़ और बटर। मोरक्को में इस तरीके से चाय सर्व की जाती है। ये मराकेश का मेन सेंटर है जिसका नाम जमा अल्फिना है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और लोग आना शुरू हुए हैं और मार्केट अभी तक पूरी तरह खुली नहीं। यहाँ पे स्नेक चामच भी हैं जो आप फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट एरिया में लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं हैं और अगर आप शूटिंग करना शुरू कर देते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ पे लाइन से फ्रेश जूस स्टॉल्स लगे हुए हैं और अगर आप फ्रेश फ्रूट पीना चाहते हैं तो ये ऑन द स्पॉट आपको बना देते हैं। इस स्क्वायर पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। आपको बैग्स भी मिलेंगे और डिफरेंट मोरक्कन स्टाइल के पॉट्स जो भी खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं और आपको हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं।
जैसे ही वक्त गुजरता जाता है ये मार्केट बहुत ही बिजी होता है और यहाँ पे कभी कभी तो चलने के लिए जगह भी नहीं रहती। मराकेश में आपको बहुत सारे हैंडमेड आइटम्स भी मिलेंगे। मेन सेंटर के बाद यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। शाम के टाइम पे और वीकेंड्स पे इन गलियों में चलने के लिए जगह भी नहीं रहती। यहाँ पे आपको ब्रेड, स्पाइसेस और हर किस्म के ऑर्नामेंट्स भी मिलेंगे। अगर आप सिटी टूर बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इनके पास कई किस्म के पैकेजेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मुझे बॉम्बे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिला। अगर आपको पता नहीं है तो बॉलीवुड म्यूज़िक यहाँ पे बहुत ही फेमस है और ये शाहरुख खान को बहुत ही मानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है एंड इट गिव्स अ वेरी अरेबियन फीलिंग। यहाँ पे मैंने फ्रेश जूस ऑर्डर किया और ये जूसर भी हाथ से ऑपरेट होता है। यहाँ पे आपको फर्नीचर, पेंटिंग, रेस्टोरेंट्स और गारमेंट के दुकान भी मिलेंगे। ये रेस्टोरेंट है और इसके बाजू में हर्ब्स है और ये दूसरा रेस्टोरेंट है और अभी मार्केट शुरू हुआ है और लोग आना शुरू हुए हैं अभी। अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो वो भी है यहाँ पे। यहाँ पे लाइन से टांगे खड़े हैं एंड दिस इज वन ऑफ द टूरिस्टिक एक्टिविटी इन जमा अल्फीना स्क्वायर। अभी जार्डन मोजरेल देखने जा रहा हूँ। ये तकरीबन आधा घंटा लगता है जाने के लिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मराकेश। यहाँ पे गधा गाड़ी भी है और रास्ते के बीचों बीच मोटरसाइकिल्स भी चलते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। चलते चलते मैं फ्रूट मार्केट पहुंच गया और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी थे। इस वीडियो में बस इतना ही। वॉच आउट फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑन मोरक्को।